इंसाफ की लड़ाई के लिए आज भी सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। इंसाफ की मांग लगातार तेज हो रही है। सीबीआई को कल सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपनी है, जबकि अब बंगाल के दादा यानी कि सौरभ गांगुली भी ममता दीदी के राज में हुई हैवानियत के खिलाफ विरोध जता रही है। कहीं पर ममता दीदी के विरोधी सड़क पर उतर रहे हैं तो कहीं उनके अपने दबी जुबान से इंसाफ की लड़ाई अलग अंदाज में लड़ रहे हैं। आजकल मेडिकल कॉलेज में हुई हैवानियत कांड के विरोध में जहां देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी इस जघन्य घटना से दुखी हैं। सौरव और उनकी पत्नी डोना गांगुली भी जल्द से जल्द इंसाफ चाहते हैं, इसलिए खबरों के मुताबिक उन्हें भी आज प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरना था, लेकिन किसी खास वजह से ऐसा हुआ नहीं। ये खास वजह क्या है फिलहाल बताना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कानून व्यवस्था को संभाल रही हैं, उससे लगता यही है कि यहाँ हालात बेहद गंभीर हैं। कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बंगाल की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी लगातार ममता सरकार पर हमलावर हैं। दूसरी ओर सीबीआई की जांच आगे बढ़ चुकी है। बंगाल की बेटी के साथ हुई हैवानियत के बाद कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और मुख्य आरोपी संजय रॉय के अलावा अब एएसआई अरूप दत्ता से भी सीबीआई घंटों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि एएसआई दत्ता के मुख्य आरोपी संजय रॉय से कनेक्शन सामने आए हैं। संजय रॉय को 2019 में आपदा प्रबंधन समूह के लिए सिविक वॉलंटियर के रूप में भर्ती किया गया था, लेकिन उसने वहां कभी काम नहीं किया, बल्कि कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड के लिए वो काम कर रहा था। इसके पहले सीबीआई ने उस पुलिस बैरक की फोरेंसिक जांच की जहां संजय रॉय ने वारदात के बाद रात गुजारी थी। सीबीआई फिलहाल एएसआई अरूप दत्ता के बयानों की जांच कर रही है। इस बीच टीएमसी और बीजेपी बंगाल में हुई बर्बरता को लेकर आमने सामने आ गई है। अरूप दत्ता को लेकर अब बीजेपी टीएमसी पर सवाल खड़े कर रही है। इन तस्वीरों में मुख्य आरोपी संजय रॉय और एएसआई अरूप दत्ता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर में अरूप दत्ता टीएमसी कार्यालय में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर टीएमसी बीजेपी के निशाने पर है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग हो रही है। ममता बनर्जी के राज में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इस दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। कोलकाता कांड में एएसआई अरूप दत्ता के साथ साथ पहले राजदार और कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी लगातार पूछताछ चल रही है। साथ ही सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।